गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा तीन क्वेश्चन तक आपके हो चुके थे 6.3 एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, ये इसके अंदर फिगर दे रखे है और इस फिगर के अंदर क्या गिवन है, कहता है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये रिलेशन दे रखे है और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन है। कहता है एंगल वन और एंगल टू इक्वल है और क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये भी इक्वल है। तो आपने प्रूव करके दिखाना है ट्रेंगल पी क्यू एस, देखिएगा एंगल पी क्यू एस ये वाली ट्रेंगल और ट्रेंगल टी क्यू आर, उसके बाद है ट्रेंगल टी क्यू आर ये वाली ट्रेंगल और ये पूरी की पूरी ट्रेंगल, ये दोनों के दोनों ट्रेंगल्स आपने सिमिलर दिखाने हैं। एक तो ये अंदर वाली ट्रेंगल और एक ये पूरी की पूरी ट्रेंगल। अब इसका प्रूफ देखिए, जब ये एक तो ये चीज़ दे रखी है आपके पास क्यू आर अपॉन में क्यू एस, देखिएगा क्यू आर ये और क्यू एस ये, तो क्यू आर जो है वो पूरी ट्रेंगल की साइड है, क्यू एस है अंदर वाली ट्रेंगल की साइड है, इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू टी फिर आपके पास पूरी वाली ट्रेंगल की साइड है और पी आर, पी आर आपके पास है ये साइड दे रखी, लेकिन पी आर की जगह पे आपने अगर पी क्यू ले आए किसी भी तरीके से तो आपका काम हो जाएगा। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू चाहिए, पी क्यू की जगह पे पी आर इसने दे रखा है, तो ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, तो पी आर की जगह पे हम पी क्यू रख देंगे। क्यों? अब इसका रीजन देखिए, पी आर ये है और पी क्यू ये, जब एंगल वन और टू एंगल हैं तो ट्रेंगल पी क्यू आर के अंदर ये पी क्यू आर ट्रेंगल लेंगे, एंगल वन और टू इक्वल हैं, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल टू के अपोजिट साइड है पी क्यू और एंगल वन के अपोजिट साइड है पी आर, तो एंगल वन और टू जब इक्वल हैं तो पी आर और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन ट्रेंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर है इक्वल, ठीक है। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आपके पास पी आर की जगह पे आपके पास पी क्यू रख देंगे, तो एक रिलेशन तो ये होगा। तो इस ट्रेंगल में और पूरी की पूरी ट्रेंगल के अंदर, इस ट्रेंगल में और पूरी की पूरी ट्रेंगल में जो एंगल वन है ये इस ट्रेंगल में भी है और पूरी की पूरी ट्रेंगल में भी है, तो एंगल वन तो आ गया कॉमन और ये जो रिलेशन दे रखा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू, हम ले आए पी आर की जगह पे पी क्यू रख दिया क्योंकि एंगल वन और टू इक्वल है, तो आपके पास एक एंगल तो हो गया आपके पास कॉमन, दो साइड्स का रेशियो हो गया प्रोपोर्शनल, तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों की दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये आपके पास क्या दे रखा है, अगर एंगल पी ये पी क्यू आर ट्रेंगल है, एस ओ टी ये लाइन है आपके पास, किस हिसाब से है, अगर एंगल पी और एंगल टी इक्वल दे रखे हैं, एंगल पी और एंगल टी, एंगल टी कौन सा है, एस टी आर या आर टी एस, तो एंगल पी और एंगल आर टी एस इक्वल दे रखे हैं, तो आपने प्रूव करके दिखाना है ट्रेंगल आर पी क्यू, देखिएगा आपके पास ट्रेंगल आपके कितने बनती है आर पी क्यू, ये पूरी की पूरी ट्रेंगल और ट्रेंगल आर टी एस, आर टी एस ये छोटी वाली ट्रेंगल और ये पूरी की पूरी ट्रेंगल आपने सिमिलर प्रूव करके दिखानी है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए क्या दे रखे है, तो एक तो ये ट्रेंगल है और एक ये पूरी की पूरी ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल में और पूरी की पूरी ट्रेंगल में एंगल आर तो क्या हो गया कॉमन है, ये इस ट्रेंगल में भी एंगल और पूरी की पूरी ट्रेंगल में भी एंगल, दूसरा इस ट्रेंगल का ये एंगल और पूरी ट्रेंगल का ये एंगल दे रखे है बराबर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखे है और ये एंगल कॉमन है इस ट्रेंगल में भी और पूरी ट्रेंगल में भी, तो दोनों एंगल्स हो गए, एक तो कॉमन एंगल हो गया
और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है दे रखा है, तो इन दोनों से आपके पास एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये तो गिवन है, ठीक है, एंगल पी और एंगल टी, और ये आपके पास कॉमन हो गया, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर फिगर बना के दे रखा है। अब ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ये ट्रायंगल देखिएगा, आप समझिएगा ए बी ई ये ट्रायंगल, अब ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ये ए सी डी ये ट्रायंगल और ए बी ई था ये ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल ए बी ई और अब बताया ए सी डी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगी। ये ऊपर वाली ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी पूरी की पूरी ट्रायंगल सिमिलर आपने प्रूव करके दिखानी है। तो इसने जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी थी, प्रूफ कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी आपके पास कॉन्ग्रुएंट दे रखी, तो क्या कहता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड्स क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। अगर ट्रायंगल सिमिलर होती तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता, अगर वो रेशियो एक हो जाता है तो ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं तो इस ट्रायंगल की आपके पास और इस ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, कोरस्पोंडिंग, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है ए बी, इसकी ए सी, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। उसके बाद बी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के। उसके बाद ए ई किसके इक्वल होगा, ए डी के। तो आपके पास ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए ई ए डी के इक्वल होगा, ए ई ए डी के इक्वल होगा, उसके बाद बी ई और सी डी के इक्वल होगा, ए बी ए सी। अब ये दो साइड लेके चल देते हैं, ठीक है। तो अब जब ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो हम दो साइड्स लेके चलते हैं, कोई भी दो, ये ले ली ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए ई पहली दूसरी, इसकी पहली दूसरी, इसकी पहली तीसरी, इसकी पहली तीसरी, ये बराबर। ये क्यों लिया, क्योंकि यही आपको जो प्रूव करके दिखाना है उसके अंदर ए डी ई चाहिए आपके पास, ठीक है, तो ए डी और ए ई या डी ई ये चाहिए आपने, और ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, तो ए बी और बी सी या ए सी में से चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स इक्वल होंगी। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी अपॉन में ए सी कितना आएगा, वन आएगा। ऐसे ही ए डी अपॉन में ए ई अपॉन में ए डी मत रखना, ए डी अपॉन में ए ई ये भी कितना आएगा, वन आएगा, इसका रीजन बताएंगे। जब ये वैल्यू भी वन के इक्वल हो गई, ये वैल्यू भी वन के इक्वल होगी, राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए ई आ गया, ठीक है। अब ए डी को इस साइड में ले आओ, ए सी को इस साइड में ले आओ, तो ए बी अपोन में ए डी आ गया यहाँ पर, ए सी चला जाएगा ऊपर, तो ए बी अपोन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपोन में ए, ये इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे आपके पास, तो ए डी ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए ई ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा जो आपने दो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी आपने जो सिमिलर प्रूव करके दिखाने, तो एक तो ये ट्रायंगल और एक पूरी की पूरी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपने सिमिलर दिखानी है, तो देखिएगा एंगल जो ए है वो इस ट्रायंगल में भी है और पूरी की पूरी ट्रायंगल में भी है, तो एक तो एंगल ए आ गया कॉमन भाई दोनों ट्रायंगल में, दूसरा इस ट्रायंगल की और इस पूरी ट्रायंगल की ये साइड्स का रेशियो आपने प्रोपोर्शनल है दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट से, कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स इक्वल होंगी, रेशियो वन आएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से रेशियो ये बन गया ए डी अपोन में ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपोन में ए सी, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो
तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगी सिमिलर। बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, दो साइड हो गई और एक उनके बीच का एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर ये फिगर बना के दे रखा है। इसके अंदर क्या बताया आपके पास, ये एंगल ई और एंगल डी ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, मतलब ए डी सी बी पे परपेंडिकुलर है और सी ई ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखी है, तो ये चार आपने सिमिलर प्रूव करके देखा। तो सबसे पहले देखिएगा ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी यहाँ से लग जाओ, ट्रायंगल ए ई पी एक तो ये वाली ट्रायंगल और दूसरी है सी डी पी, सी डी पी एक तो ये ट्रायंगल और दूसरी ये ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपने सिमिलर प्रूव करके दिखाने। अब देखिएगा इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल डी 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल ई 90 डिग्री का है, तो डी और ई एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद एंगल वन और एंगल टू आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो इस ट्रायंगल का एंगल वन इस ट्रायंगल का एंगल टू के इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल ई इस ट्रायंगल का एंगल डी के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी, जो कि पार्ट वन के अंदर दिखा रखा है। एंगल वन और टू वर्टिकल अपोजिट हैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एंगल डी और ई हर एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाइएगा, सेकंड पार्ट क्या आता है ट्रायंगल ए बी डी। देखिएगा आपके पास ए बी डी एक तो ये ट्रायंगल ए बी डी और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास सी बी ई, दूसरी ट्रेंगल आपके पास सी बी ई, ये दोनों की दोनों ट्रेंगल्स आपने सिमिलर प्रूव करके दिए। एक तो ये ट्रेंगल है ए बी डी ठीक, और दूसरी ट्रेंगल इसने क्या दे रखी है, दूसरी ट्रेंगल है सी बी ई, सी बी ई। तो इन दोनों ट्रेंगल्स के अंदर एंगल बी आपके पास एक तो ये ट्रेंगल है ए बी डी और दूसरी है ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बी है वो कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है ये एंगल और इस ट्रायंगल में भी है ये एंगल, तो एंगल बी तो हो गया कॉमन। अब इस ट्रायंगल का एंगल ये 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल का एंगल ये 90 डिग्री का है ठीक है, तो एक एंगल आपके पास इसका ये 90 डिग्री का इसका ये 90 डिग्री के दोनों बराबर हैं, उसके बाद एंगल बी है कॉमन, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है ट्रायंगल ए ई पी, देखिएगा ट्रायंगल ए ई पी एक तो ये अंदर वाइड ट्रायंगल, दूसरे आपके पास ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एक तो ये अंदर वाली ट्रायंगल ये और एक ये इससे बड़ी वाली ट्रायंगल इस में लेना, इसको भूल जाओ आप, यू ट्रायंगल में से एक हिस्सा ये है, एक तो ट्रायंगल ए ई पी ये ट्रायंगल छोटी और एक ये पूरी वाली ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल ए तो क्या हो गया कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है ये एंगल और पूरी की पूरी इस ट्रायंगल में भी एंगल, एंगल ए तो हो गया कॉमन। उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है और इस पूरी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एक एंगल ये इक्वल हो गया, एंगल ए कॉमन हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद चौथा पार्ट है ट्रायंगल पी डी सी, देखिएगा ट्रायंगल आपके पास पी डी सी एक तो ये ट्रायंगल और अब एक पूरी मिलेगी, ट्रायंगल बी ई सी ट्रायंगल आपके पास बी ई सी ये पूरी ट्रायंगल, एक तो ये पूरी ट्रायंगल और एक है ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर और इस पूरी ट्रायंगल के अंदर एंगल ये जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस पूरी ट्रायंगल में भी है, तो एंगल तो सी तो क्या हो गया कॉमन। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल के अंदर
ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल हो गया और एंगल सी ये भी इक्वल है क्योंकि ये ईस्ट एंगल में भी है और पूरी ट्रेंगल में भी है, कॉमन हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगी। ये चारों के चारों पार्ट हैं, देखिएगा इसके अंदर आपके पास मैंने जो बताया है वही आपके पास इसके अंदर लिखा हुआ है। चौथे पार्ट के अंदर आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का, ये कॉमन। तीसरे वाले पार्ट के अंदर ये 90 डिग्री का, ये कॉमन। इस वाले पार्ट के अंदर ये 90 डिग्री का, ये कॉमन। हर एक के अंदर क्या आता है, एक में एंगल ए कॉमन है, एक में एंगल बी कॉमन है, एक में एंगल सी कॉमन है और एक ट्रायंगल में एंगल वन और टू इक्वल है पहले पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट में एंगल ए कॉमन है, फिर एंगल एक में सॉरी दूसरे में है, तीसरे में देखना पड़ेगा आपके पास ए है आपके पास तीसरे पार्ट में, दूसरे में एंगल आपके पास बी कॉमन है, फिर ए कॉमन है, फिर सी कॉमन है, पहले पार्ट के अंदर एंगल एक और दो कॉमन है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, हर के अंदर 90 डिग्री कॉमन मिलेगा आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, फिर ध्यान से देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्या कहता है, स्टेटमेंट है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी। कहता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड ए डी के ऊपर आगे चलकर एक पॉइंट ई दे रखे है। क्या स्टेटमेंट पूरी पढ़ो समझो, कहता है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। कहता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अगर ए डी साइड को आप आगे प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर पॉइंट ई दे रखा है एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी। कहता है बी ई, तो बी से ई को मिलाएंगे, जो बी ई है वो सी डी को एफ के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, ठीक। तो आपने प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। देखिएगा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, कहता है ए डी को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर एक पॉइंट ई है और ई बी सी डी को एफ पॉइंट पर काटती है, ये चीज़ दे रखी है तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है। तो सीधी बात से ए बी सी डी ये सब कुछ पैरेलल गिवन दे रखा है, आपने प्रूव करके दिखाना वो। अब आपने प्रूव करके दिखाना है, अब आपको कौन सी ट्रायंगल चाहिए, देखिएगा ए बी ई, ए बी ई एक तो ये पूरी ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल है सी एफ बी, सी एफ बी एक तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल और एक ये पूरी की पूरी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऊपर वाले इतना हिस्सा इस ट्रायंगल का और इस पूरी ट्रायंगल का, तो इसके अंदर क्या आता है एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल 3, ऊपर वाली ट्रायंगल का एंगल 3 और नीचे वाली ट्रायंगल का एंगल है 4। ये तो एंगल आपस में इक्वल होंगे क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ध्यान से सुनना। देखिएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर ए बी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी आपके पास सी डी के पैरेलल होगा या ए बी डी सी के पैरेलल है और बी इस लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपके पास ट्रांसवर्स लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे। एंगल 3 और 4 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। तो आपके पास देखिएगा इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल 1 बराबर हो गया, अब इस पूरी ट्रायंगल का एंगल 4 इस ट्रायंगल का एंगल 3, तो एक ये एंगल बराबर हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। आपने दिखाई थी एक तो ये अंदर वाली ट्रायंगल बी ए ई और दूसरी ट्रायंगल थी आपके पास है ये ऊपर वाली सी एफ बी, तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, ऊपर वाली ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा, दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फिगर दे रखे है, क्या कहता है सी
बी परपेंडिकुलर है ए बी पे और पी एम परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल एम दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। और आपने दो चीज़ प्रूव करके दिखाना है क्या, एक तो ट्रायंगल ए बी सी, देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल है ए एम पी, ए एम पी, एक तो ये वाली ट्रायंगल, इतनी ट्रायंगल ए एम पी और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। जब सिमिलर हो जाएंगी तो इनका साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हम अपने आप लिख देंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा एक तो ये ट्रायंगल है आपके पास है ए बी सी, इस ट्रायंगल का एंगल है ये 90 डिग्री है भाई इस ट्रायंगल में तो, और इस ट्रायंगल के अंदर ए पी एम के अंदर एंगल एम 90 डिग्री का होगा। दूसरा एंगल जो ए है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो एंगल ए तो कॉमन हो गया, एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्री इस दे रखा है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके पास करवा दिए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ये इसका रिकैप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट तक इसका प्रूफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर 16 क्वेश्चन। थैंक यू भाई।